तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मैंने धनबाद से फेलोर का रास्ता कैसे सफ़र किया। तो सबसे पहले धनबाद जंक्शन पे हमने ट्रेन पकड़ा दोस्तों, क्या और धनबाद जंक्शन रांची में है। रांची से क्रॉस करने के बाद मैं छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। छत्तीसगढ़ के कुछ जंगलों का दृश्य मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और छत्तीसगढ़ को जैसे ही हमने बॉर्डर को समाप्त किया, हम लोग आ गए आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा वहाँ पर दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगा, गोदावरी नदी का, जिसका मैं थोड़ा सा क्लिप लिया दोस्तों। गोदावरी नदी को क्रॉस करने के बाद एक और नदी वहाँ पर मिला, जिस नदी का नाम है कृष्णा नदी। इसका क्लिपिंग थोड़ा मैं लंबा लिया हूँ। ये कृष्णा नदी का क्लिपिंग आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं लंबा दूर तक लिया। ये पूरा पहाड़ी साइड में पूरा पहाड़ी इलाका था दोस्तों, पूरा पहाड़ी का भी दृश्य लिया। पहाड़ी पर कैसे ट्रेन चलते हैं उनका भी मैंने दृश्य यहाँ पर आप लोगों को दिखाया। अब इसके बाद हम लोग वहाँ पर पहुँच गए काठपाड़ी स्टेशन। काठपाड़ी स्टेशन पहुंचा, लेकिन मैं उतरा थोड़ा अपोजिट साइड में मैं उतरा, लेकिन मुझे उतरना था फ्रंट साइड में। तुरंत मैंने वहां पर बैक गियर अपने आप में दबाया और अपने जितने भी लोग थे उनको वापस लेके ये आ गया मैं फ्रंट पे। तो फ्रंट पर एक चीज़ वहां पर आने का सबसे ये चीज़ है, जहाँ पर आपको राष्ट्रीय ध्वज दिखता है दोस्तों, ठीक है, उधर साइड आप उतरेंगे तो आप फ्रंट साइड होगा। पूरी सफ़र ये लगभग मेरा 40 घंटे का रहा। ट्रेन बहुत ही मतलब दूसरा ट्रेन नहीं मिल पाया, पूरा थक गए थे। ट्रेन पे चाय भी नहीं मिल रहा था, पूरा अपने आप में थकावट। 2:30 बजे रात को मैं उतरा तो मुझे लगा भाई अब कहीं जाके चाय पी लिए जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये काठपाड़ी स्टेशन का तो पैदल निकल दिया। 2:30 बजे रात था, कहीं 500 मीटर 600 मीटर चला, कहीं चाय की कोई दर्शन ना हुआ दोस्तों, ठीक है। चलता गया, जब ना मिला तो रास्ता वापस आया, एक छोटा सा मंदिर मिला, प्रणाम किया और फिर पुनः काठपाड़ी स्टेशन पहुंच गया 3:30 बजे रात को, 1 घंटा।